तो छोटे जितने भी क्रिएटर हैं उनका मेन इशू यही होता है कि कोई ऐसी डिवाइस मिल जाए, कोई ऐसा फ़ोन मिल जाए या कोई ऐसा कैमरा मिल जाए जो वो लो बजट में रख के प्रॉपर क्वालिटी वीडियोस बना सकें। लेकिन जब वो सेफ्टी की तरफ जाते हैं तो बॉक्स पैक ऑप्शंस में जो अच्छी वीडियो बनाने वाला फ़ोन है वो लाख रुपये से कम का बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे में आती है किट मार्केट या सेकेंड हैंड कैमरा मार्केट। सेकेंड हैंड कैमरा मार्केट अगर जाएँ तो वहाँ पर 50-60 हज़ार रुपये का आपको DSLR तो मिल जाता है, जो कि स्लो वीडियो नहीं बनाने की एबिलिटी उसके अंदर होती, मतलब 120 FPS की वीडियो बनाने की एबिलिटी उसके अंदर नहीं होती, लेकिन उसके लेंजेस की ऑप्शन और ऑब्वियसली वो सेकंड हैंड होगा, उसमें इश्यूज़ वगैरह भी आ सकते हैं। तो ऐसे में जो बेस्ट सोल्यूशन निकलता है छोटे क्रिएटर्स के लिए या जो लोग सस्ती चीज़ें खरीदना चाहते हैं, सस्ता कैमरा चाहते हैं, उनके लिए जो सोल्यूशन निकलता है वो है किट मोबाइल की मार्केट, जहाँ पर ओरिजिनल फ़ोन आपको मिल जाते हैं, रिफर्बिश में मिल जाते हैं, लेकिन लो प्राइस में अच्छी स्पेसिफिकेशन वाले फ़ोन तो इजीली, ये मस्ट है, लो प्राइस में अच्छी स्पेसिफिकेशन वाले फ़ोन किट मोबाइल वाली मार्केट से इजीली मिल जाते हैं। तो आज की जो अमेजिंग स्मार्टफोन डील है उसमें है LG का V40 ThinQ, जो कि काफ़ी सस्ता है और ऑब्वियसली कैमरा क्वालिटी इसकी बेहतरीन है। कैमरे की अगर बात करें तो सबसे पहले कैमराज की ही बात कर लेते हैं, तो 4K में 60 FPS शूट कर सकते हैं, मतलब 4K अगर वीडियो की रेजोल्यूशन हो तो 60 FPS फ्रेम्स पर सेकंड आप इस फ़ोन से शूट कर सकते हैं। और 1080p में 240 FPS और 120 FPS की ऑप्शन भी इस फ़ोन में मौजूद है। POLED AMOLED स्क्रीन मिल जाती है, एज़ यू कैन सी डायरेक्ट सनलाइट में भी अच्छी खासी विजिबल है, POLED स्क्रीन अच्छी खासी विजिबल है और वाटर रेजिस्टेंट ये फ़ोन है, मिलिट्री ग्रेड हार्डवेयर से सर्टिफाइड है, ओरिजिनल 100% इस चीज़ की भी गारंटी है, 100% ओरिजिनल है ये फ़ोन। तकरीबन जितने भी इस वक्त मॉडर्न फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के मोड आपको नज़र आते हैं, आजकल की जो कंटेंट क्रिएशन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी ये फ़ोन पूरा करता है। 120 FPS की स्लो मोशन वीडियो और 4K अप टू 60 and 30 FPS की नॉर्मल वीडियो। मज़े की बात यह है कि इसमें हेडफोन जैक भी मौजूद है, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, क्वाड डैक है, ड्यूल फ्रंट फेसिंग कैमरास हैं, और क्या चाहिए। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 12 MP का मेन कैमरा, अपर्चर f1.5। अब अपर्चर मैंने क्यों मेंशन किया है, अपर्चर होता है कैमरे का वाइड होना, मतलब अपर्चर ही डिसाइड करता है कि कैमरे को कितनी लाइट मिल सकती है और कितनी नहीं मिल सकती। जितना कम अपर्चर होगा उतना ही मतलब कैमरा लेंस को ज़्यादा लाइट मिलने के चांसेस हैं। तो f1.5 अपर्चर बहुत बहुत वाइड है, मतलब अच्छी खासी लाइट कैप्चर करेगा, ये लो लाइट सिनेरियोस में भी अच्छी खासी लाइट ग्रैब कर लेगा ये फ़ोन। अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है दूसरा 16 MP का, तीसरा जो लेंस मिलता है वो टेलीफोटो लेंस है 12 MP का। वीडियो की स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दी, नाइट मोड इस फ़ोन में मौजूद है, पोर्ट्रेट मोड इस फ़ोन में मौजूद है, फिंगरप्रिंट इसकी बैक साइड में मिल जाता है, प्रोसेसर इस फ़ोन में मिल जाता है स्नैपड्रैगन 845, 845 प्रोसेसर इसमें मिल जाता है विच इज़ क्वाइट डिसेंट। और रैम मेमोरी की बात करें तो इसमें दो वेरियंट्स आते हैं, 664 या 6128, ये 6128 वाला वेरियंट है, 6GB 128GB ड्यूल सिम है, मेमोरी कार्ड भी इस फ़ोन में डल जाता है और ओरिजिनल होने की गारंटी है। 18 वाट की फास्ट चार्जिंग इस फ़ोन में मौजूद है, 3300 mAh की बैटरी है, जो कि थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है लेकिन ऑब्वियसली नॉर्मल यूजेज के लिए बेहतरीन रहेगा, बेहतरीन रहने वाला है ये फ़ोन। ड्यूरेबल बहुत ज़्यादा है, स्टडी है, मिलिट्री ग्रेड हार्डवेयर से कंप्लायंट है। मेरे ख्याल में इस बजट में इतना सस्ता फ़ोन एक मौजज़ा है एक पाकिस्तानी मार्केट में, जहाँ बॉक्स पैक फ़ोन की तरफ देखें तो 30-35 हज़ार रुपये में आपको कचरा मिलता है, क्रैप मिलता है आजकल, और दूसरी तरफ किट मोबाइल की मार्केट आपको ऐसे फ़ोन ऑफर कर रही है। इस फ़ोन की प्राइस 32 हज़ार रुपये है, यस 32 हज़ार रुपये में ये फ़ोन आपको मिल जाएगा, जो कि बेहतरीन कैमरे के तौर पर भी आपके काम आएगा और फ़ोन के तौर पर भी आपके काम आएगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा, AMOLED स्क्रीन जाहिर सी बात है, प्रॉपर फीचर्स वाला फ़ोन मिल रहा है लो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, जिनको सस्ते बजट में अच्छा कैमरा फ़ोन चाहिए उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ LG V40 ThinQ। कलर्स अलबत्ता इस फ़ोन में रेड भी होता है, ब्लू भी होता है, ब्लैक भी होता है, सिल्वर भी होता है, लेकिन इस केस में हमारे पास जो स्टॉक आया है उस स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ ये फ़ोन ब्लैक कलर में अवेलेबल है। ब्लैक कलर को थोड़ा सा आप तिरछा करेंगे, थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो ये ब्लू शेड, रॉयल ब्लू कलर की शेड मारेगा, बहुत एलिगेंट लगता है और बड़ी ड्यूरेबल चीज़ है। AA मोबाइल पर ये अवेलेबल है, उनका नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगा, उनसे रब्ता करके इस फ़ोन की अवेलेबिलिटी के बारे में आप जान सकते हैं। फाइनल कितने का मिलेगा, ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी होगा, अगर इस वीडियो का हवाला देंगे तो स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा।
तो आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। डिटेल्ड इसकी स्पेसिफिकेशंस के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जीएसए मरीना पर चेक कर लें या रिव्यू चेक कर लें। इस बजट में 32,000 रुपये के बजट में इससे बेहतर फ़ोन आपको नहीं मिलने वाला। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।